प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी सेकंड ईयर का टॉपिक जाति की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। यह टॉपिक फर्स्ट पेपर का है। विद्यार्थियों, जाति की अवधारणा जानने से पहले हम जानते हैं कि जाति क्या होती है। जाति की अगर हम परिभाषा देखें तो जाति ऐसे जीवों के समूहों को कहा जाता है जो एक दूसरे से संतान उत्पन्न कर सकते हैं और उनसे उत्पन्न संतान आगे भी संतान उत्पन्न कर सकती है। अर्थात दो पादप या जंतु आपस में संतान उत्पन्न करें और उनसे उत्पन्न संतान भी जननक्षम हो तो इसे जाति कहेंगे। अगर दो जीवों के द्वारा उत्पन्न संतान जननक्षम नहीं होगी तो उन्हें एक ही जाति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जाति की अवधारणा में विभिन्न प्रकार की जातियाँ या विभिन्न प्रकार से जाति की अवधारणा को हम परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइपोलॉजिकल जाति। टाइपोलॉजिकल जाति में जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य किसी जाति के सदस्य होते हैं और किसी निश्चित गुणधर्म की पुष्टि करते हैं, अर्थात उनमें कोई निश्चित गुणधर्म समान होता है। टाइपोलॉजिकल जाति किसे कहेंगे? जब किन्हीं जीवों का समूह जिनमें कोई निश्चित गुण समान हो तो उसे टाइपोलॉजिकल जाति कहते हैं। जैसे हम देखें कि आम का पेड़ है, आम एक जाति है। इसमें जो बाहरी आकार की है या इसका जो फल है वह एक निश्चित गुणधर्म है और वो सभी आम के पादपों में पाया जाएगा, तो इसे टाइपोलॉजिकल जाति कहते हैं। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल जाति। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है विद्यार्थियों बाह्य आकार की, यानी एक आबादी या आबादी में रहने वाला समूह जो मॉर्फोलॉजिकल तरीके से बाह्य आकृति की दृष्टि से एक दूसरे से अगर भिन्न हो तो उन्हें मॉर्फोलॉजिकल जाति कहेंगे। जैसे हम देख सकते हैं कुत्ता एक जाति है जो बिल्ली से अलग है। पादपों में नीम एक जाति है, अजाटी रक्टा इंडिका, वह दूसरे पादपों जैसे पीपल, फाइकस, मूंगफली इनसे अलग है क्योंकि इनके बाहरी लक्षण अपने को देखने से ही पता लग जाते हैं, तो वह मॉर्फोलॉजिकल जाति अवधारणा है। इसके बाद आता है विद्यार्थियों आनुवांशिक जातियाँ। हम जानते हैं कि आनुवांशिक जो गुण हैं वह डीएनए के द्वारा निर्धारित होते हैं। अर्थात जिन जातियों में डीएनए समान पाए जाएंगे या जिन जीवों में डीएनए समान पाए जाएंगे तो हम उनको एक ही जाति के सदस्य कहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर एक ही जाति का जो आनुवांशिक पदार्थ है वह काफ़ी हद तक समान होता है किसी दूसरी जाति की तुलना में। कोई भी पादप है उसमें पाया जाने वाला डीएनए किसी दूसरी पादप जाति की तुलना में उसी की जाति के दूसरे पादप के समान होगा। डीएनए की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक काम में आती है, और भी पीसीआर तकनीक है, इस प्रकार की और तकनीक भी काम में आती हैं। इसके बाद आता है सूक्ष्म जातियाँ। विद्यार्थियों कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन या निषेचन के बिना ही प्रजनन करती हैं।
ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ आनुवांशिक दृष्टि से समान हों, आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं हों। इस प्रकार की जातियों को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जातियाँ कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये जातीय अवधारणा के अनुसार जातियों को विभक्त करने में सहायता प्रदान करने वाली कुछ अवधारणाएं थी। अब बात आती है कि नई जाति की उत्पत्ति को हम क्या कहेंगे। आप जानते हैं कि नई नई जातियों का विकास होता रहता है, नई जातियां बनती रहती हैं। तो किसी पैतृक वंश से या किसी एक जाति से किसी दूसरी जाति का विकास होना स्पेशिएशन कहलाता है। अर्थात स्पेशिएशन क्या है, स्पेशिएशन की परिभाषा क्या है? नई जातियों की उत्पत्ति को ही स्पेशिएशन कहा जाता है। स्पेशिएशन के अलावा जाति की अवधारणा में हम कुछ अन्य शब्दावली पर भी चर्चा करेंगे, जैसे बायोटाइप, इकोटाइप, इकोफीन या इकेड। सबसे पहले हम बात करते हैं जीव प्ररूप या बायोटाइप की। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जीवों के जो लक्षण हैं, जो बाहरी लक्षण हैं, उन पर वातावरणीय कारकों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो जीव प्ररूप क्या होंगे? जब पादपों के आनुवांशिक लक्षण तो समान हों लेकिन कुछ लक्षण अलग अलग हों, तो उन पादपों को आपस में क्या कहेंगे, बायोटाइप या जीव प्ररूप कहते हैं। ये जो कुछ बाहरी लक्षण हैं, ये वातावरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और ये आनुवांशिक स्तर पर नहीं पहुंच पाते, अर्थात उनमें आपस में जन्म संभव होता है। इसके बाद आता है बाहरी प्ररूप या इकोटाइप। अभी हम बात कर रहे थे वातावरण की। जब एक ही पादप जाति के सदस्यों को हम अलग अलग वातावरण में उगा देते हैं तो उनमें कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं और इस प्रकार से जो उत्पन्न विभिन्नताएं हैं वो जीनीय स्तर पर होती हैं, यानी जेनेटिक जो विभिन्नताएं हैं वो जीन लेवल पर पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार की जो पादप जाति के सदस्य होंगे उनको पारी प्ररूप या इकोटाइप कहा जाता है। इसी प्रकार की विभिन्नताएं जब जीनी स्तर पर यानी जीन लेवल पर नहीं पहुंच पाती हैं तो इस प्रकार के जो पादप जाति के सदस्य होंगे विद्यार्थियों, उनको अनुकूलज या पारिज कहा जाता है, इकोफीन या इकेड कहा जाता है। तो आपने देखा कि पारी प्ररूप या इकोटाइप और अनुकूलज या पारिज इकोफेन, इन दोनों में ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताएं वातावरण के कारण उत्पन्न होती हैं। लेकिन इन दोनों में एक जो बड़ा अंतर है वह है कि पारी प्ररूप या इकोटाइप में उत्पन्न विभिन्नताएं जीन स्तर पर होती हैं, जीन लेवल पर पहुंच जाती हैं, जबकि अनुकूलज या पारिज इकोफीन या इकेड में पाए जाने वाली विभिन्नताएं जीन स्तर पर नहीं होती, जीन लेवल पर नहीं पहुंच पाती हैं। उपरोक्त तीनों ही जीव प्ररूप, पारी प्ररूप, अनुकूलज या पारिज एक ही जाति के होंगे और आपस में जनन कर सकते हैं, जहाँ पारी प्ररूप जो है उसमें विभिन्नताएं जीन स्तर पर हो जाती हैं। अगर इनको हम इनके प्राचीन वातावरण में उगाएं
तो इनमें पाए जाने वाली विभिन्नताएं नष्ट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये विभिन्नताएं जीन स्तर पर हो चुकी हैं, जबकि जीव प्ररूप और अनुकूलज या पारिज इनको हम वर्तमान वातावरण से पुराने वातावरण में अगर ले जाएं और वहाँ इनको उगाएं तो इनमें